नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू फैमिली एंड होम एंड आफ्टर दैट आई राइट सम सेंटेंसेस विद द पजेसिव ऑफ तुम, दैट इज तुम्हारा. सो लेट्स स्टार्ट विद सेंटेंसेस रिलेटेड टू फैमिली. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला सवाल है, आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है, मतलब वेयर इज योर हाउस और वेयर इज योर होम. नाउ आई कैन से मेरा घर बनारस में है. बनारस में मतलब इन वाराणसी. तो मेरा घर बनारस में है. यू कैन यूज द नेम ऑफ अ कंट्री, यू कैन यूज नेम ऑफ सिटी, और वी कैन आस्क दिस इन अ मोर लोकल सेंस. मेरा घर मैक्सिको सिटी में है, मेरा घर न्यूयॉर्क में है, मेरा घर बेंगलोर में है, मेरा घर दिल्ली में है, या मेरा घर पंजाब में है. नाउ अगला सवाल, द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल है, आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? आपके माता पिता, योर पेरेंट्स, कहाँ रहते हैं? वेयर डू दे लिव? वेयर डू योर पेरेंट्स लिव? आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? नाउ आई कैन से मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं. मेरे साथ मतलब विद मी. मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं. माई पेरेंट्स लिव विद मी. नाउ इन केस दे लिव इन अनदर सिटी, आई कैन से मेरे माता पिता बनारस में रहते हैं. माई पेरेंट्स लिव इन वाराणसी. यहां है तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर. यू कैन सी द थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स. आपके परिवार में कितने लोग हैं? हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली? यू कैन ऑल्सो फाइंड द वर्ड सदस्य इन रिटन फॉर्म्स. ओके, हाउएवर दिस इज वे टू फॉर्मल एंड इज नॉट यूज इन नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस. सो आपके परिवार में कितने लोग हैं? हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली? सिंपल क्वेश्चन विद अ सिंपल आंसर. मेरे परिवार में 5 लोग हैं. यू कैन ऑल्सो से 4 लोग हैं. हाउ मैनी मेम्बर्स इन योर फैमिली? आई आस्क यू, आपके परिवार में कितने लोग हैं, या फिर आपके घर में कितने लोग हैं? यू कैन से मेरे घर में 6 लोग हैं. ठीक है, आपके घर में कौन कौन रहता है? हु लिव्स इन योर हाउस? नाउ व्हाई देयर इज कौन कौन, व्हाई इज इट डबल? बिकॉज आई ऑलरेडी एक्सपेक्ट दैट देयर इज मोर देन 1 पर्सन लिविंग इन द हाउस. सो व्हेनेवर we are asking for more than one things, like कौन कौन, क्या क्या, तुम्हारे कमरे में क्या क्या है, what all things are there in your room, what all things are there in your room, तुम्हारे कमरे में क्या क्या है. so similarly आपके घर में कौन कौन रहता है? who lives in your house? हमारे घर में, in our house, मैं, I, मेरे मम्मी पापा, माय पेरेंट्स, मेरी दीदी, माय एल्डर सिस्टर, और एंड मेरे नाना नानी, माय ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स ऑफ मॉम, रहते हैं, लिव. हमारे घर में मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरी दीदी और मेरे नाना नानी रहते हैं. I, my parents, my elder sister and my maternal grandparents live in our house. Till now, we have learned the possessives of मैं and आप. It's मेरा, मेरे, मेरी, आपका, आपके, आपकी. Now, I've written the possessives for तुम. If you are talking to people of similar age or your friends, you can use तुम्हारा, तुम्हारे एंड तुम्हारी. नाउ एज वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट
possessives ending with a are used with singular masculine objects or people. Possessives ending with a are used with plural masculine or formal masculine objects or people, like kids, shoes, plural. Dad, with more respect, you use tumhare. And for female objects or people, you use possessives with ending with e. Now I'll read them out. Tumhara naam, your name. Tumhara bhai, your brother. Tumhara ghar, your house. Tumhare bacche, your kids. Tumhare joote, your shoes. Tumhare papa, your dad. Tumhari behen, your sister. Tumhari class, your class. Tumhari gaadi, your car. Tumhara naam kya hai? Tumhara naam kya hai? Tumhara naam kya hai matlab, what is your name? Tumhari aayu kya hai? What's your age? Tum kitne saal ke ho? Aur tum kitne saal ki ho? In case you are asking a girl, tum kitne saal ki ho? How old are you? Tumhara ghar kahan hai? Where is your house? Tumhare kitne bhai behan hai? How many siblings do you have? Tumhari didi kahan rehti hai? Where does your sister live? Note that for masculine nouns we have used tumhara. Tumhara naam. Tumhara ghar. And for feminine nouns we have used tumhari. Tumhari ayu. Tumhari didi. For masculine plural, we have used a quantifier ending with a. Kitne saal, how many years. Kitne bhai behen, because we are talking about brothers as well as sister, we will follow the masculine word, the masculine plural word. Kitne bhai behen, how many siblings. Theek hai. I hope with these examples, it's clear how to use tumhara, tumhare and tumhari. Here we finish this lesson, and also we are about to finish this level, the level basic one. I think only two lessons are left. The next lesson would be a revision of vocabulary with examples, and the next to that lesson would be a new vocabulary lesson. After that, I hope making many videos for practice, like reading practice, listening practice and sentence making practice. ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे. नमस्ते.